कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। वो कर्नाटक चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास का नहीं बल्कि अमूल वर्सेज नंदिनी हो गया है, और अब इस अमूल वर्सेज नंदिनी विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को एक नंदिनी मिल्क पार्लर पहुंचे। यहां से उन्होंने एक आइसक्रीम खरीदी और ब्रांड को कर्नाटक का गौरव करा दिया। उन्होंने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रमुख ब्रांड नंदिनी को सर्वश्रेष्ठ करार दिया। गुजरात के अमूल की ओर से इसके अधिकरण की आशंका के बीच राज्य के पार्टी नेताओं ने देसी डेयरी ब्रांड के प्रति अपना समर्थन जताया है। इसी के मद्देनजर राहुल ने यह कदम उठाया। कर्नाटक के दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी ने बेंगलुरु के जेपी नगर स्थित नंदिनी मिल्क पार्लर में कुछ वक्त बिताया। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। राहुल गांधी ने बाद में ट्विटर पर अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, कर्नाटक का गौरव नंदिनी सबसे अच्छी है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी नंदिनी मिल्क पार्लर पहुंचकर उसको समर्थन किया था। ये विवाद हाल ही में शुरू हुआ जब अमूल ने घोषणा की कि वह बेंगलुरु में दूध की आपूर्ति करेगा। इस पर विपक्षी कांग्रेस और जेडीएस ने कहा कि भाजपा अमूल को कर्नाटक में लाकर नंदिनी को खत्म करना चाहती है। उन्होंने यह आशंका भी व्यक्त की कि अमूल के अधिकरण के लिए रास्ता बनाने के लिए नंदिनी उत्पादों की कमी पैदा की जाएगी। हालांकि बसवराज बम्बई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस आरोप का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि अमूल से नंदिनी को कोई खतरा नहीं है। कर्नाटक का ये चुनाव दूध पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है, लेकिन जिनके नाम को लेकर ये विवाद चल रहा है अब तक उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई कि उनके बीच में कोई विवाद है। पर पॉलिटिक्स में ये दोनों नाम आम दूध कंपनियों की जगह कर्नाटक पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु बन गए हैं। सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।